तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं पिवट टेबल के बारे में। पिवट टेबल की हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने समराइजेशन के बारे में पढ़ा था, आज हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग इन रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस, समराइजेशन से आगे के बारे में। तो इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल, देन ओके। और यहां पे मान लीजिए मैंने नेम लिया, नेम के बाद मैंने यहां पे क्वांटिटी लिया। अब मैं कोर्स वाइज सेल लेता हूं कॉलर में, तो ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में आता है। बट यहां देखिए ब्लैंक है, क्या है? ब्लैंक है। मैं चाहता हूं कि ब्लैंक की जगह पे जीरो सो हो, तो हमने राइट क्लिक किया, पिवट टेबल ऑप्शन पे गया, और यहां आपको दिख रहा है बिफोर एम्प्टी सेल सो, और यहां पे हमने जीरो डाल दिया, देन ओके किया। तो आप देख सकते हैं कि यहां जीरो शो हो रहा, क्या शो हो रहा है? जीरो शो हो रहा। लेकिन अगर मैं कोर्स को यहां डाल दूं तो कुछ इस तरह का है, इसको कोलैप्स एक्सप्लेन कहते हैं। लेकिन कई बार प्रॉब्लम होती है कि एक ही कॉलम में रहने से दिक्कत होता है, तो हम क्या करते हैं, पिवट टेबल डिजाइन में जाते हैं और यहां पे कर देते हैं सो टेबलर फॉर्म। तो ये अलग अलग कॉलम में चले आते हैं, देख सकते हैं अलग अलग कॉलम। अब मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं और यहां से सब टोटल नेम हटा देता हूं। क्या हटा दिया? सब टोटल नेम। यहां से देखिए सब टोटल हट गया। अब मान लीजिए कि मुझे इनको रिपीट करना है, इसी में रिपीट ऑल आइटम लेवल, तो ये देखिए रिपीट हो रहा है। फिर यहां पे हम डू नॉट रिपीट आइटम लेवल करें तो हट जाएगा। मुझे मर्ज करना है तो राइट क्लिक, हम सर यहां पे राइट क्लिक पिवट टेबल ऑप्शन पे हम जाएंगे और यहां ऊपर मर्ज होगा, हम यहां पे मर्ज कर देंगे। अब मान लीजिए मुझे एक्सेल का डेटा देखना है कि 494 पूजा का क्या है, टोटल है क्या। जस्ट इस पे डबल क्लिक कीजिए, एक नई शीट में डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। जी हाँ, जस्ट डबल क्लिक करते हैं। लेकिन कई बार ये जो डबल क्लिक प्रॉब्लम होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है बार बार डबल क्लिक करने, कुछ लोगों की आदत होती है बार बार डबल क्लिक करने। मैं चाहता हूं ये डबल क्लिक करके जो डेटा आता है इसको डिसेबल कर। तो राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे और यहां डेटा, डेटा में ये दिख रहा है अनेबल शो डिटेल्स, इसको यहां से अनचेक कर लीजिए। अब कोई डबल क्लिक करेगा तो मैसेज आएगा न कि डेटा आएगा। अब बात करते हैं शॉर्ट। देखिए डेटा को अगर शॉर्ट करना हो तो कैसे करें, हमने इस पे राइट क्लिक किया और यहीं पे गया शॉर्ट, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मैं शॉर्ट कर सकता हूं। हम शॉर्ट कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मंथ वाइज डेटा ले लिया तो मैं यहां पे राइट क्लिक करके मैं कर सकता हूं शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो कॉलम को भी सर यहां पे हम शॉर्ट कर सकते हो। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि मैं कॉलम नेम, मुझे नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा शॉर्ट कर दूंगा, तो जिस पे कर्सर रखेंगे उसके हिसाब से शॉर्ट हो। लेकिन कई बार शॉर्ट नहीं करना होता है, मूव करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ कोर्स वाइज यहाँ पे टोटल है, यहाँ पे कोर्स टोटल है, जो टोटल हटा देता हूँ से। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं एक्सेल का कोर्स सबसे ऊपर रखना चाहता हूं, तो आप एक्सेल को सिलेक्ट करो और यहां ये जो दिख रहा है इसको उठाओ, एक्सेल उठाओगे कि पूरा जाएगा, हमने ऊपर रख दिया, तो एक्सेल अपना पूरा डेटा लेके यहां पे आ गए। फिर मुझे वीवीए का कोर्स रखना है, तो मैं यहां से वीवीए को उठाऊंगा और इसके ऊपर डाल दूंगा, तो देखेंगे वीवीए का।
फिर मैं यहाँ पे कुछ और करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करके भी आप मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से, राइट लेफ्ट आप कहाँ मूव करना है वहां मूव कर सकते हैं, और ऐसे ही कॉलन में भी कर सकते हैं। जैसे ईयरली मान लीजिए मेंबर देता है और मुझे 2022 नहीं 23 पहले रखना है, तो मैं यहाँ 23 को उठा के यहाँ रख दूंगा तो 23 पहले आ जाएगा। इस तरह से हम 22 23 कॉलम और रो को मूव कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग और मूव दो चीज हमने सीख लिया। अब बात करते हैं फिल्टर की। जैसे मुझे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नेम ही शो करना है, तो जो फिल्टर का सिंबल दिख रहा है इसके जाएंगे, और यहाँ पे जिस पर्टिकुलर चाहिए, मुझे पूजा और मोहन का ही दिखना है, पूजा और मोहन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हर कोर्स का सिर्फ पूजा और मोहन ही शो हो रहा है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोर्स देखना चाहता हूँ जिसमें वीवीए और एक्सेल को देखना चाहता हूँ, वीवीए एक्सेल मैंने सिलेक्ट करके ओके किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ वीवीए और एक्सेल ही शो हो रहा है, बाकी डेटा शो नहीं हो रहा। तो ये होगी फिल्टर। उसी तरह से मुझे कॉलर, ये जो ऊपर दिखे देखिए, ये जो था ये था हमारा रो फिल्टर। कौन सा फिल्टर था? रो फिल्टर। इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है कॉलम फिल्टर। क्या बोला जाता है? कॉलम फिल्टर। इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहां से मैं सिर्फ 2022 का डेटा देखना है, तो 2022 का डेटा देखिए। तो हमने दो फिल्टर के बारे में बात किया, रो फिल्टर एंड कॉलम फिल्टर। तीसरा आता है पेज फिल्टर। जैसे मैं एक पर्टिकुलर सिटी का डेटा देखना चाहता हूँ, तो मैंने सिटी को उठा के यहाँ फिल्टर में रख दिया, तो ऊपर फिल्टर आ गया। देखिए कि मैं मान लीजिए कानपुर किया, तो पूरा रिपोर्ट मेरा कानपुर के अकॉर्डिंग आता है, और कानपुर में मुझे पर्टिकुलर मंथ चाहिए तो मैंने मंथ को यहाँ रख दिया, और कानपुर के अंदर मान लीजिए मुझे जनवरी का सेल चाहिए तो मैं यहाँ पे जैन सेलेक्ट कर लिया। मुझे जैन नहीं, मुझे क्वार्टर वन का चाहिए, तो यहाँ दिखेगा आपको मल्टीपल आइटम, इस पे क्लिक कर देंगे तो एक से ज्यादा आइटम को आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं है इसमें डेटा नहीं है कम। तो अभी मैं जूम कर देता हूँ एंड ओके। अब देखिए यहाँ आ गया, तो मल्टीपल टाइम्स में इस तरह से आपका डेटा आ गया। तो फिल्टर समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे सॉर्टिंग, हमने यहाँ पे मूविंग और फिल्टर समझ लिया। कोई डाउट इसमें? अब बात करते हैं ग्रुपिंग का। जैसे मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि दिल्ली भी है और न्यू दिल्ली भी है, मान लीजिए सिर्फ दिल्ली है, न्यू दिल्ली डाल देता है यहां पे, नोएडा भी है, तो मैं इस पे लगाता हूं पिवट। पिवट लगाने के बाद मैंने नेम दी, नेम सिटी सिटी दिया और यहाँ पे क्वांटिटी दिया। अब मुझे यहाँ पे दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद एंड जीजे मतलब कि गुरुग्राम, इस सबको एक दिखाना है, दिल्ली एंड एनसीआर। क्या दिखाना है? दिल्ली एंड एनसीआर। तो हम कंट्रोल प्रेस करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ इसको, एक को, नोएडा को, फरीदाबाद को, जीजीएन को। एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये दिल्ली भी आ जाएगा। न्यू दिल्ली, तीनों को कंट्रोल करके सेलेक्ट किया, देन राइट क्लिक और मैं यहां पे गया ग्रुप। ग्रुप में यहां देखेंगे, यहां पे पहले देखेंगे सिटी और सिटी टू दोनों आ गया, तो सिटी वाले को मैं हटा देता हूं, और ग्रुप वन जो आया उसके जगह पे दिल्ली एंड एनसीआर हम टाइप कर, इस तरह से हम इसको कर सकते। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है ग्रुपिंग। जैसे मैं यहाँ पे एमआरपी दिख रहा है मुझे, मुझे ये देखना है कि मेरा जो सेल है किस एमआरपी के किस रेंज पे कितना सेल, मतलब 1,000 से 2,000 वाले कितने क्वांटिटी बिके हैं,
2000 से 3000 वाले कितनी क्वांटिटी बिके हैं वगैरह। तो इस पे लगाते हैं इंसर्ट सर पिवट टेबल एंड ओके। यहां पे हम एमआरपी को रखते हैं और यहां पे अपनी क्वांटिटी रखते हैं, फिर राइट क्लिक ग्रुप, ये देखिए 55 से 85 दिख रहा है तो 1-1 हजार, तो ये मिनिमम, तो 55 की जगह पे मैं 0 कर देता हूं और यहां पे कर देता हूं 10,000। 1 2 3 4 5 देन ओके ठीक है, ग्रुप आ गए। अब हम बात करते हैं डेट फील्ड, मुझे डेट दिखा तो डेट को भी कैसे ग्रुप कर सकते हैं यहां से। जैसे हम यहाँ पे डेट डाला और यहाँ पे क्वांटिटी डाला, जैसे डेट और क्वांटिटी डालेंगे यहाँ देखेंगे ऑटोमेटिकली एक ग्रुप हो जाता है, लेकिन कई बार ग्रुप हम इसके ऑटोमेटिक के हिसाब से नहीं अपने हिसाब से करिए। यहाँ हम गए ग्रुप और यहां से मंथली चाहिए तो दो हटा दिया, तो मंथली ग्रुप हो। मुझे ईयरली चाहिए ग्रुप तो मंथ और ईयर कर दिया, तो मंथ और या ईयर या क्वार्टर कर दीजिए तो क्वार्टर आ जाएगा। और इसको हम लोग फिल्टर इसमें भी आ सकते हैं, जैसे मुझे मान लीजिए कि ईयरली और मंथली रिपोर्ट चाहिए तो इस तरह से भी हो जाए, लेकिन मुझे यहां पे चाहिए ग्रुप में 15 डेट वाइज, फिर 15 दिन के गैप में चाहिए, तो हमें सिर्फ 15 लिखेंगे यहाँ पे डेज लिखेंगे और यहाँ नंबर में हम 15 दे देंगे, क्या दे देंगे 15 एंड ओके करेंगे। तो देखिए 15 डेज का ग्रुप बन गया है, समझे? तो ग्रुपिंग समझ में आ गया, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं अगली टॉपिक कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन और ग्रुपिंग में प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं इसको अलग डेटा डालता हूं। अब कैलकुलेशन में क्या चाहिए, जैसे हमने यहां पे निकाले कि किस कोर्स की कितनी क्वांटिटी या कितनी कितनी क्वांटिटी हो आई, आप देख पा रहे हैं कि 107 1015 70 4 65 ऐसे आ रहा है। अब मुझे इसी के जस्ट बगल में मुझे ये पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ शेयरिंग क्या है, मतलब कि कितना परसेंट शेयरिंग किसका है, तो मैं क्वांटिटी को एक बार और यहां रखूंगा। एक चीज याद रखिएगा कि आप जो है वैल्यू वाले सेक्शन में एक फील्ड को कई बार रख सकते हैं, एक फील्ड को कई क्या कर सकते हैं कई बार रख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर इस पे क्लिक करूंगा तो ड्रॉप डाउन में आपको दिखेगा वैल्यू फील्ड सेटिंग। इस वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊंगा
और यहाँ पे सो वैल्यू एज में आप देखेंगे कि कैलकुलेशन होगा, जिसमें बाय डिफॉल्ट नो कैलकुलेशन होता है। इसी में परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल कर दिया हमने, ओके किया ये परसेंटेज। तो क्या क्या होता है देखिए, परसेंटेज ऑफ रो टोटल कॉलम टोटल ग्रांड, अभी तीनों पर समझना है तो मैं यहां पे मंथ रख देता हूं और फिर यहां पे क्वांटिटी रख। तो जो ये जो रो टोटल है इसको, इसमें यह टोटल दिख रहा है इसको कॉलम टोटल कहते हैं, इसको रो टोटल कहते हैं, और ये फाइनल जो कॉर्नर पे होता है इसको ग्रांड। अब मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग पे आता हूं। अगर मैं शो में, शो वैल्यू एज में कैलकुलेशन में गया और कैलकुलेशन में अगर मैंने ग्रांड टोटल सिलेक्ट किया तो 8734 से सारे नंबर्स को डिवाइड करके उसका जो परसेंटेज है वो दिख जाएगा। फैल उसके बाद करके दिखाता हूँ आपको, देखिए। उसके बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग में अगर मैंने लिया रो टोटल, इसके जो रो के टोटल्स है उससे सबको डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे जो टोटल है सबसे डिवाइड, हम कॉलम टोटल बताया कॉलम टोटल हो जाएगा। लेकिन कई बार हमें जो है, जैसे कि मैं कोर्स बता देता हूँ, मैं नेम लेता हूँ और यहाँ पे क्वांटिटी। अब यहां पे क्या है कि मैंने सबको 1000 का टारगेट दिया, क्या दिया था 1000 का टारगेट। मुझे पता करना है कि किसने कितना परसेंट टारगेट अचीव किया। तो यहाँ कैलकुलेटेड फील्ड में आइए ऊपर, और यहां पे, यहां पे मैं बोल देता हूं टारगेट अच्छी परसेंटेज, और यहाँ हम यहाँ क्वांटिटी को लेते हैं और उसको डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं, देन एड, देन ओके। और आप देखेंगे, ये देखिए 1000 से डिवाइड होके इसका परसेंटेज आपके सामने आ गया। परसेंटेज मेनू लगाना पड़ेगा अपने आप नहीं है। ठीक है, इस तरह की और भी कैलकुलेशन की जा सकती है। जैसे मैं एक बार और एक पिवट बनाता हूं, और यहां पे मैंने मंथ लिखी, मंथ वाइज मेरा टोटल आया। तो मैं यहाँ पे इसकी क्यूमुलेटिव टोटल की, जनवरी में सेल इतनी थी, जनवरी फरवरी तक सेल कहाँ पहुंची, मार्च तक सेल कहाँ पहुंची, क्यूमुलेटिव करना है, रनिंग टोटल करना। तो मैं एक बार क्वांटिटी को और यहाँ देते हैं, और वैल्यू फील्ड सेटिंग में हम आते शो वैल्यूज में, और यहाँ पे कर देते हैं शो रनिंग टोटल, देन ओके। ये देखिए रनिंग टोटल आ गया। मुझे रनिंग टोटल का परसेंटेज भी चाहिए, तो मैं यहाँ क्वांटिटी को एक बार और रखूंगा और यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में आऊंगा, शो वैल्यूज पे आऊंगा, और यहाँ पे हम रनिंग टोटल परसेंटेज सिलेक्ट करके ओके कर। ठीक है, तो उसी तरह से फील्ड टू फील्ड कैलकुलेशन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास क्वांटिटी है, एमआरपी है, बट अमाउंट नहीं है, तो पिवट टेबल में इसकी भी कैलकुलेशन की जा सकती है। तो यहाँ पे हम पिवट टेबल लगे ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम रखा, यहाँ पे क्वांटिटी रखा, यहाँ पे एमआरपी रखा, और फिर यहाँ पे हम आ गए वैल्यू फील्ड सेटिंग में, यहाँ पे अमाउंट
और अमाउंट में हमने बोला कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआर एड, जैसे 2% जीएसटी चाहिए तो कैलकुलेशन, 2% 18% जीएसटी चाहिए तो यहाँ पे जीएसटी, और यहाँ पे हम दे देते हैं अमाउंट का 18% एनओ, लेकिन ये डेसिमल में आया, मैं चाहता हूँ ये कन्वर्ट राउंड में आया, राउंड में आया, तो कैलकुलेटर फील्ड में यहां से हम फील्ड को एडिट भी कर सकते हैं, क्लिक कीजिए, और यहाँ पे हमने लिया अपना जीएसटी और यहाँ हमने लगा दिया फॉर्मूला राउंड, राउंड इसमें कर दिया हमने जी, देन मॉडिफाई, देन ठीक है।